अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना CS302 प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे हम, कि प्रैक्टिकल जो है हमारे पास है क्या, इसका सीन क्या है। क्योंकि भाई तो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा रखे हैं मेरे पास, हर एक ग्रुप में एक ही सवाल होता है भाई, क्या CS302 और CS302P के लेक्चर सेम है। नहीं, थोड़े बहुत सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है, ठीक है ना। उससे खैर है, CS302P का जो बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेक्चर सेम नहीं है, लेकिन जो है ना आप कह लो कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है ना। CS302 के लेक्चर और CS302P के कॉन्सेप्ट सेम है, लेक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जो आप CS302 में सीखेंगे वही आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें एज एन प्रैक्टिकल इसमें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है इसको बारे में अब थोड़ा बहुत डिटेल और पढ़ लेते हैं कि लैब में होता क्या हमारे पास। हम इसे बेसिकली यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है ना। Physics 301 में जो स्टूडेंट है, Physics 301 के जो स्टूडेंट है ना, हमने उसमें इस्तेमाल तो किया था एक सॉफ्टवेयर था, इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डायग्राम वगैरह बना देते हैं। कुछ जो थे कुछ ऑनलाइन वेबसाइट मैंने उनको प्रोवाइड की थी, मैंने वहाँ पे आकर डायग्राम बना देते थे, जहाँ पे पेंट पे वो डायग्राम बनाते होते थे, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, वही चीज़ें हैं, लेकिन उनका क्या हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। Physics 101 के सर से बड़ी सारी बातें गुजरी, क्योंकि उन्होंने चीज़ें भी पढ़ी है, पहले कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आसान चीज़ें हैं, अगर आप CS302 के लेक्चर में सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, फिर आप इजीली हर एक लैब इसके अटेंड कर सकते हैं। अभी 4 लैब चाहिए हमारे पास, ठीक है। अभी और मुझे लैब वगैरह वापस नहीं आई, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास लैब्स वगैरह आएंगी, वीकली 2 लैब्स आएंगे, इंशाल्लाह मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक सेमेस्टर जो उनकी लैब्स होती हैं वो चेंज होती हैं। और एक और चीज़ साथ बता दो, CS201 और CS201P दोनों के जो लेक्चर सेम है, इनके लेक्चर सेम है, CS302 और CS302P के जो है ना वहाँ पर लेक्चर सेम नहीं है। ये आपको मैं दिखा दूँगा, मैं यहाँ से वहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर CS302P के लेक्चर है, यहाँ पर सिर्फ ये 5 हैं, ये 4 आई हैं, ठीक हो गया। जबकि अगर आप यहाँ पर जाएंगे, हमारे पास जो है यहाँ पर ये CS201 और CS201P के जो लेक्चर है वहाँ पर सेम है, ठीक है। इनके असाइनमेंट्स वगैरह जो है ना उसकी चेंज होंगी। यहाँ पर एक होगा लिंक वगैरह होता है, जहाँ पर फाइल वगैरह अपडेट करते हैं। आप जाएंगे अगर अनाउंसमेंट भी जाएंगे ना, अनाउंसमेंट भी जाएंगे यहाँ पे, तो इसका ये है ना सेशन वगैरह है। मैं आपको अगर आपको मज़ीद और डिटेल प्रोवाइड करनी है ना, कि आप मुझे इसके बारे में और बताएं इसका ना होता क्या है, तो आप मीन्स क्या करेंगे कि इनके जो सेशन होते हैं ना वो ज्वाइन करें आप, ठीक है ना। उस वहाँ से क्या होता है, अपने आपको जितने भी सवाल होते हैं ना वो सारे क्लियर होते होते हैं, ठीक है। अगर आप इनके आप भेजेंगे ना टिकट वगैरह भेजेंगे, जो उनका होता है स्टूडेंट प्रोवाइडर जो होता है इनका, ठीक है ना, वहाँ भेजेंगे आप, खवारी होंगे उनका, उससे तो बताते भी नहीं होते वो ना। तो आप ऐसा करिए, जो सेशन वगैरह ना वो ज्वाइन करेंगे, ये एक लिंक है जहाँ पे ये फाइल वगैरह अपडेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप करेंगे उसको एंटर करेंगे, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी इसकी। यहाँ पर जो जो लैब्स होंगे ना उसके लिहाज से आपके प्रोग्राम वगैरह चेंज होते रहते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन वगैरह जो सबके स्टूडेंट के ना वो सारे खत्म हो जाए, ठीक है। ये वर्ड में CS201 का भी बता दिया मैंने आपको, CS302 का भी बता दिया मैंने। अभी CS302 का जो हमारे पास लैब्स है ना उसको हम इंप्लीमेंट भी करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 मई और 10 मई की जो लैब नंबर 5 आई हुई है, ये उसके बारे में लिखा है। अरे इम्प्लीमेंटेशन, अरे होती है कि यहाँ पर फ्लैग लिखा हुआ है, लूप्स लिखा हुआ है, वाइल लूप लगा हुआ है, कंपेयरिंग लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ें अरे वगैरह, बहुत ही मज़े की चीज़ है। वैसे ये यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ लिखी हुई है, स्ट्रिंग लेंथ यानी कि वहाँ पर जितनी स्ट्रिंग होगी ना, यानी कि अगर 4 वर्ड लिखे हुए तो 0 से लेकर कितने हो गए हैं, 3 तक लिखेंगे आप, ठीक हो गया। यहाँ पर अरे साइज लिखा हुआ कुछ भी नहीं, यहाँ पर वहाँ पर उसका आउटपुट क्या रहा है कि अरे को मैच कर रहा है, अगर अरे मैच कर रहा है तो उसका अरे लेंथ फुल प्रिंट हो जाएगी, कंपेयरिंग हो रही है, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ कंपेयर स्ट्रिंग का, यहाँ पर कंपेयर होकर बता देगा अभी इसमें कितने कितने वर्ड्स है, इसमें कितने वर्ड्स है, अरे का साइज यहाँ पर क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर जो है साइज सेम नहीं होगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, साइज नॉट सेम का उसका रहा आ जाएगा अरे का नाम, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बता दिया मैंने आपने फाइल वगैरह कहाँ डाउनलोड करी है CS201 की। अब CS302 की बात करते हैं हम। CS302 के यहाँ पे एक ये लेक्चर है वहाँ पर, जिसके मैं आपको शोर्ट लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करूँ, 12 लेक्चर यहाँ पर आ चुके हैं। अब 12 ही मेरे लेक्चर चैनल में अपलोड है, वहाँ पर देख लीजिएगा, इन शाला CS13 लेक्चर भी आ जाएगा। मेरे पास वैसे टाइम काफ़ी शोर्ट था, ठीक है ना, असाइनमेंट्स वगैरह भी आए थे, क्विज वगैरह भी आए, तो वहाँ मैं बिजी था मैं, ठीक हो गया। बाकी और सब्जेक्ट भी हैं वाले, इनको थोड़ा हैंडल करना होता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत लेट लेक्चर हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जितने हो सके सारे लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, जितनी मदद हो सके मैं अपनी तरफ से आपको दे सकूँगा, मैं तो वो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ये CS302P का, ठीक है, आप इसमें गए ना, आप यहाँ पे सारे लैब्स वगैरह आई हुई है, अगर फाइल्स वगैरह डाउनलोड करनी है यहाँ से फाइल्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। ये सारे वीडियोज़ वगैरह लिखी हैं, इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल, यहाँ पे जो है
फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, जो इसका उनका जो सॉफ्टवेयर है लैब एंड मैनेज सेशन, हाउ टू ज्वाइन जूम सेशंस, ये लैब नंबर वन है हमारे पास, ये हमारे पास विंडो टर्न का जो इशू है, ठीक है ना सर। सारे सारे वीडियोज जो है ना, फाइल्स वगैरह मैं आपको एक लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोज़ वगैरह जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम और ये चीज़ है ना, और जो लैब्स वगैरह होंगे ना, ये लैब्स वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए खुद, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ना, देखिए आप जैसे मैं आप इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पर हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे ये वाला, ठीक है ना। इस टाइप के लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपने करना है यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना है, आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जब बात करते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है। इंस्टॉलेशन ये वीडियो यहाँ पर आपने करना पॉज कर लेनी, अगर आपके पास पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है होगा, ठीक है ना, ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वरन कोट है, अगर आप कहते हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद फिर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूँगा मैं, ठीक है ना, वैसा कर लें आप, ठीक है ना, जैसे आपको ईजी मैथ लगे वैसा करें। अच्छा जी, वीडियो आप शुरू करते हैं, यहाँ से अब मेन वीडियो शुरू हो रही है, इसकी CA302 प्रैक्टिकल है। पीछे जितना मैंने बताया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ से ये कर सकते हैं, ठीक है ना, और उससे आपके काफ़ी मदद भी हो चुकी होगी, कि आप सर जो कन्फ्यूजन होगी ना वो सर खत्म हो चुकी होगी आपकी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, ये सॉफ्टवेयर नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, ठीक है ना। मेरे पास वर्जन 5.12 है जो ने मैं प्रोवाइड किया ये वाला, ठीक है। इसका जो आइकॉन होगा जब इसको इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पर आपका रिसेंटली एडिट में आ चुका होगा ये वाला, ठीक है। कुछ का एरर आएगा, एरर के लिए भी एक वीडियो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको बताया तो अगर आपका एरर आए ना, यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाएंगे आप, ठीक है, डिटेल्स में जाना है आपने। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है ना हमारे पास यहाँ पर ऑन होगा वर्क बेंच, ठीक है ना। आपने यहाँ पर जाना एनालाइज एंड वेट है ना, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। आगे आपको एनवीडिया का थ्रेड एरर आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके आपने एंड प्रोसेस कर देना तो हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मेरे यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं आता, इसलिए यहाँ पर आ रहा है, इस नॉर्मली रनिंग नॉर्मली आ रहा है, ठीक हो गया, तो मुझे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके लैब वन में। लैब वन जो है हमारे पास क्या है, इसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर का इंटरव्यू दिया हुआ कुछ भी नहीं है, कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इंस्ट्रक्शन क्या होती है, पावर स्विच क्या होते हैं, यहाँ पर मेन्यू बार क्या होती है, गेट्स वगैरह क्या होते हैं। अगर आपको गेट्स का नहीं मालूम, लैब का मैं आपको बताया, तो इन सब का जो लैब है ना, लैब का रिलेशन किसके साथ है, CS302 के साथ है। अगर आपको CS302 के आपने एक भी लेक्चर नहीं सुना तो आपका फ़ायदा नहीं ये वीडियो देखने का, मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। आप वीडियो ये तब देखें जब आपने CS302 के लेक्चर सुने हो, ठीक है ना। मैं आपको उसके लिए प्ले लिस्ट भी दे दूंगा, जिसके मैंने 12 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, मैंने वहाँ पर अपलोड है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर देख लें, ताकि आपको वहाँ से कुछ सब क्लियर हो, फिर आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मैं इसमें जो फर्स्ट 4 लेक्चर आए हैं, 4 वीक के जो लेक्चर हैं वो लैब्स हैं, ठीक है ना, मैं उनमें फुल प्रोवाइड कर दूंगा, फुल समझा दूंगा उसे करना क्या है, क्या नहीं करना, बहुत ईजी है, चिल मॉल करेंगे, चिलैक्स होकर करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ये एंड गेट का ऑप्शन है, या मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, बस आ जाएंगे एंड गेट सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ और डिजिटल सर्किट आ जाएंगे सर करके, ठीक हो गया। यहाँ पर इंडिकेटर आ जाएंगे, जैसे जो आप आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम जहाँ फंक्शन वगैरह कंट्रोलर आ जाएंगे, आप फंक्शन सिस्टम कहते होते हैं एज यूजली। यहाँ पर मिसलिनियस आ जाएंगे, मिसलिनियस जो एडवांस पेपर है, ठीक है ना, इसको फायदा नहीं भी करने का। उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में कोई ग्राफ वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे लॉजिकल कन्वर्टर होते हैं इसके अंदर वगैरह, ठीक हो गया। इसमें मेरे खास लॉजिकल कन्वर्टर, इसमें लॉजिकल वेट जनरेटर, लॉजिकल एनालाइजर, ठीक है, लॉजिकल कन्वर्टर ही होता है वहाँ पर, ठीक हो गया। अब उसके बाद वहाँ पर ये कुछ डिजिटल ICs है, ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ इसको, ठीक है, जूम करेंगे ऐसा करके। लॉजिकल ICs हो गए यहाँ पर, ये लॉजिकल ICs आ गए, मिक्सर ICs आ गए, ये ICs वगैरह जो ना काफ़ी एडवांस बिहेवियर है। मैंने शायद अपने लेक्चर में बताया भी था ये ICs वगैरह क्या होते हैं, इसका यूसेज क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एनालॉग ICs आ गए, एनालॉग ICs में जो जो होता है ना एनालॉग वेव बनी होती है, उसके लिए जो ICs बनते हैं ये वो आ गए यहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पर जो है कुछ MOSFET ट्रांजिस्टर्स वगैरह, जिसके अंदर बड़े बड़े ट्रांजिस्टर बने हैं, MOSFET वगैरह बने हुए हैं। MOSFET का मैंने आपको बताया भी था NAND गेट से बनता होता है ये। ये एनोड डायोड्स आ गए, डायोड्स मैंने आपको बताया था मेरे Physics 301 लेक्चर है ना, अगर आप डायोड्स का नहीं मालूम, अब यहाँ पर लिखें Physics PHY 301 सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा, सेमी कंडक्टर गेरा लेक्चर में 29 है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको सारा सेमी कंडक्टर के बारे में मालूम हो जाएगा। अगर आपने ट्रांजिस्टर के बारे में मालूम करना है, ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा Physics PHY 301 ट्रांजिस्टर, यहाँ पर एंटर कीजिएगा, आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी लेक्चर 45 वाली, 44 45, ठीक है ना। मैं यानी कि जो लेक्चर
29 और 29 से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके आगे कोई ना कोई एक टॉपिक होगा ट्रांजिस्टर वाला, ठीक है ना। वहाँ से पढ़ लीजिएगा ट्रांजिस्टर के बारे में, होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, बनता कैसे है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए काम करना। अब इसके पे कुछ वायर्स है यहाँ पर जो ना, वहाँ पे इंडक्शन एंड ट्रांजिस्टर और रजिस्टर कैपेसिटर, ठीक है ना, इंडक्शन वगैरह ट्रांसफॉर्मर वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई होती है। उसके अलावा जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स वगैरह यानी कि जैसे वोल्टेज वोल्टेज एनालॉग सोर्स वोल्टेज सोर्स ग्राउंड वायर सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर डीसी वोल्टेज ये रखे हुए हैं वहाँ पर VCC, जहाँ पर मालूम है जो फिजिक्स 3D1 वाले ना, उन इस टाइम पर हर चीज़ समझ आ रही होगी। फिजिक्स 101 वाले यहाँ पर इस टाइम में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़, इतना बड़ा क्या खप आ गया इसके अंदर भी है, वी भी करना पड़ेगा हमें। टेंशन नहीं लेनी, ईजी रहना है, ईजी होकर पढ़ना है इसको, ठीक है ना। बोझ बन के नहीं पढ़ना है कि भाई हमारे पास बोझ आ गया, भी ऐसा नहीं करना है। इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ईजली रहेंगे, चिलमोल रहेंगे, ठीक हो गया। मैं आपको बताया तो हमने शुरू में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं यूज़ करना, ये भी नहीं यूज़ करना हमने, ये भी नहीं यूज़ करना हमने, ये भी नहीं यूज़ करना हमने, ये यूज़ करना हमने, ये यूज़ करना है, ये भी नहीं यूज़ करना हमने, ये भी नहीं यूज़ करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये चार विंडोज है ना, कौन सी, इंस्ट्रूमेंट की हमने, इंडिकेटर, उसके बाद लॉजिक गेट्स, और ये सोर्स। सोर्स किसके लिए काम किया जाता है हमारे पास, सोर्स जो है ना, आप कह लो किसी भी वोल्टेज बैटरी या फिर कोई भी एक एनालॉग बैटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वोल्टेज है 12 वोल्ट के, यहाँ पर आपको वोल्टेज चेंज करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाए, ये वोल्टेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज़ का लेबल चेंज करना है, वैल्यूज़ में जाए, वोल्ट में जाए, डिस्प्ले में जाए, एनालॉग में जाए, यहाँ पर सब फ्रिक्वेंसी वगैरह चेंज करते हैं, वैल्यूज़ में जाएंगे। अगर आपने वोल्टेज रखना है 24 लिखें यहाँ पर, आप 24 के ऊपर क्लिक कर दें, ओके करें, 24 वोल्टेज के बैटरी बढ़ेंगे। डिलीट करना है, राइट क्लिक करें, यहाँ पर इसका डिलीट कर दें, ठीक हो, यहाँ पर यस कर दें। उसके बाद सेम बैटरी, अगर आपने ग्राउंड वायर लगानी है, ग्राउंड वायर ये वापस है, ग्राउंड आ गया। उसके बाद शॉर्टकट की, अगर आपने इसको डिलीट करना है, क्लिक करें, डिलीट के ऊपर प्रेस कर दें, आप कीबोर्ड में की होगी डिलीट की, उसके ऊपर प्रेस कर दें, ठीक है, उसके बाद यस कर दें, डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। सेम बैटरी यहाँ पर ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर किसके लिए काम आता है, किसी भी एक आउटपुट के लिए। यहाँ बस प्रो कहते होते हैं उसको, हम बल्ब कहते होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट का इंडिकेटर यहाँ बने हुए, लेकिन मोस्टली यूज दो जो करते होते हैं बेसिक्स में, ठीक हो गया। और ये जो बल्ब है, बल्ब जो है ना, आप इस्तेमाल किया जाए किसी भी आपको जो एडवांस सर्किट होता है ना, जो हमारे पास वोल्ट यानी कि वोल्टेज, जो फिजिक्स 3D1 में हमारे पास है एक, आप कह लें सेमी कंडक्टर के हमारे पास था वो ब्रिज वाला, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ब्रिज वगैरह, क्लिपर, इनमें इस्तेमाल किया जाता है बल्ब वगैरह। अभी इसका फ़ायदा नहीं हमें यूज़ करना, हम सिर्फ सिर्फ लॉजिक गेट में यही यूज़ करते होते हैं, ठीक हो गया। अभी के लिए शुरू में जो चार हमने लेक्चर पढ़े ना, उसमें यही है, उसके बाद डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया, ये एंड गेट है, ये हमारे पास और गेट है, ये नोट गेट है, ये हमारे पास आ गया नोर गेट, नोर गेट आ गया, ये नैंड गेट आ गया, ये जोर गेट आ गया, यहाँ पास एक्स नोर आ गया, ये हमारे पास जो है एडवांस पेवर का गेट है, एक क्या नाम है इसका, भी कर लेते हैं, मेरे बफ होगा, ये बफ है, ये हाँ जी बफ है, बफ है, ये एडवांस पेवर है ये वाला। ये हमारे पास एक, आप कह लें एक नोड गेट की एग्जाम होती है वाली, उसका नाम क्या है, एक मैं चेक कर लेता हूँ, ये बफर है ये भी, ठीक है। नहीं अब ट्रिगर इन्वर्टर ही काफ़ी एडवांस फेवर है, इसका हमें यूज़ नहीं करना, इसको भी नहीं यूज़ करना हमने अभी, ना इसको यूज़ करना हमने, क्योंकि एडवांस फेवर ही है। हमने कहाँ से यूज़ करना है, बस यहाँ तक एक्स नोड तक, ठीक है ना। अभी एक्स नोड क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, नो जोर गेट क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नोड गेट, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं ना आपको सारे समझा चुका हूँ, कौन से वाले CS 302 के लेक्चर में, ठीक है ना। कहाँ समझा चुका हूँ मैं आपको, ये CS 302 के लेक्चर में, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हुए हैं मैं दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ पे आके देखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसको बनाते हैं ज़रा, थोड़ा बहुत उसका यूज़ भी तो करना है ना, ताकि भाई समझ भी आए कि हो क्या रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है ना, वहाँ पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल बताई हुई है लैब 1 के अंदर, ठीक है। ये पता है भाई बैटरी के लिए इस्तेमाल किया था, ये पता नहीं ग्राउंड वायर है, यहाँ पर आप कह लो फंक्शन के लिए काम होता है, स्विच है, जूम इन जूम आउट के लिए 2 होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे बताया, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी मैंने, जो किसी के वाले सोलह चेंज करनी है तो कैसे चेंज करनी, राइट क्लिक करके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में गए, आप वहाँ पर ही आ जाइए, ऐसा करके एक ग्राउंड वायर लगी हुई, यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल लगा हुआ है, जिसमें से कितने हर्ट्ज के पावर आ रही है, 2 हर्ट्ज से पावर आ रही है, 50% की परफॉर्मेंस होगी।
ये बैटरी लगे हुए, नॉट गेट लगा हुआ, नॉट गेट लगा, फिर आपका इंडिकेटर लगा हुआ जो भी आपको मैं दिखाया मैंने, सेम बैटरी, ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर से नॉट गेट लगा हुआ है, इसके अंदर ये क्या है आप कह लें इंडिकेटर लगा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है, 0 पे 1 करता है, और 1 पे क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ पे देखा ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, 0 होता है। अब 0 पर ये क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा, ठीक है ना। इसका आप कह लें एक मेथड होता है नॉट गेट का, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी सी सी 1 है, इसका कनेक्टर है, आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको जरा इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस से डिलीट, यस आई वांट टू डिलीट दिस, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और इसको भी क्रॉस करते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ से सर अभी करता हूँ एंड गेट यूज़ करता हूँ, मैं एंड गेट यहाँ पर सब लेकर करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, ड्रैग कर लो, ठीक है ना। जूम करना है, कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे ना भाई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का दबाएंगे जूम होगा, कंट्रोल शिफ्ट माइनस करेंगे तो आप जूम जूम आउट हो जाएगा, जूम आउट यहाँ से भी हो जाएगा, जूम आउट ये रहा, जूम आउट यहाँ पे देखें ये से चीज़ दिखी हुई है, कंट्रोल ये जूम आउट, ये नहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे इस करके, ठीक है। यहाँ पर जूम आउट कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो हम इसका हो जाएगा जूम इन हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर एक एंड गेट लगाया, एंड गेट के बाद मुझे चाहिए एक 0 के लिए 1, कितने इनपुट आ रहे हैं वहाँ पर, 2 इनपुट आते हैं ना, 0 1, ठीक है। अब वो बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं सोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं सोर्स आ गया, 0 के लिए यूज़ करूँगा मैं, ये चीज़ यूज़ करूँगा मैं, ठीक हो गया, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं है इसकी, सॉफ्टवेयर में मसला है, देखना है आपने से कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का मसला होता है कई बार, ठीक है ना, क्योंकि क्रैक होता है ना, वैसे मसला आता है। उसके बाद आपने एक लगा लेनी है, वोल्टेज की बैटरी लगा देनी ऐसा करके, ठीक है। मैं इसको अभी पता डील कर देता हूँ मैं, ठीक है, देखें यहाँ पे से ऐसे मसला होगा इसका, यहाँ पे आता हूँ मैं डायरेक्ट में, यहाँ से दोबारा ड्रा करके दे लिया तुम इसको, ठीक है, जैसा करके उससे कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करें, हमारे पास जो है ना यहाँ पर होता है इससे करके एक वायर होती है, हमने करना है ये वायर आ गई, ठीक है ना, इसके साथ अटैच कर दें, ठीक हो गया। ये ग्राउंड वायर है, ये ग्राउंड वायर इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इंडिकेटर कहाँ पर था हमारे पास, ये डिटेल है, इंडिकेटर हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट आ गए, इंडिकेटर मेरे साथ इसमें थे, हाँ जी इंडिकेटर ये है। अब यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर रोटेट कर लेंगे, ठीक हो गया, इससे हो जाएगा ये, इसको करेंगे इसे जोड़ देंगे, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं यहाँ पर ऑन करते हैं, इसको मतलब सेव कर लेते हैं, ओके ठीक है, ओके बस ठीक है, इसको प्ले करते हैं, मसला आ रहा है इसमें जो है ना, एक मिनट, ठीक है ठीक हो गया, उसका समझ आ गया मुझे यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने जो है यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, एंड गेट यूज़ किया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे ये आउटपुट क्या है, 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या 1 1 है, इधर 1 है, इधर वहाँ पे इसका 0 है, ग्राउंड 0 होता है, बैटरी का वहाँ पे इसका होता है 1 होता है। यहाँ पे ऐसा फॉर्म इसलिए हुआ कि सॉफ्टवेयर का वहाँ पर इसका मसला होता है, ठीक है ना, क्रैक वर्जन होता है ना, तो उस वजह से ऐसा रहता है। अगर मैं करूँ यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ मैं एंड गेट को, और मैं कौन सा गेट यहाँ पर यूज़ कर लूँ, और गेट, ठीक है, ये इसकी लाइन लगी हुई, इसके साथ अटैच कर दूँ मैं, ठीक हो गया। और इसकी जो यहाँ पर ये इंडिकेटर लाइन है इससे अटैच कर दूँ मैं, और ग्राउंड की वायर की लाइन है इससे अटैच कर दूँ मैं, इसके साथ अटैच कर दूँ मैं, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, यहाँ पर देख रहे ऑन हो गया, ये ऑन हो गया ना। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, मैं इसका ये आउटपुट है इसकी यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ मैं इसको 1 को, ठीक है, यहाँ पर देखें इसका 0 हो गया ना ये, ठीक है। आगे दोबारा सोर्स यहाँ पर लगा दूँ मैं, सोर्स कहाँ से आते हैं, यहाँ से ये रहा, ये सोर्स आ गया, और इसका पॉइंट क्या कर दूंगा मैं, इसके साथ जोड़ दूंगा मैं, ये पॉइंट है इसका जोड़ दूंगा मैं। अब इसको प्ले करते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर से हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे इसके साथ एक स्विच लगाते हैं, स्विच वहाँ पर यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर स्विच आ जाएगा ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पर हम स्टार जाते हैं हम, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम, इसका करके ना इसको यहाँ पर रह लेते हैं, थोड़ा बहुत हो गया, ये स्विच है, इसको से करते हैं, ओके इसकी वायर है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है स्टोव, इसको आगे कर लेता हूँ मैं ऐसा करके, ये इसको यहाँ पर रखें, इसको मैं इसमें ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ मैं थोड़ा, ताकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह बन जाए, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ मैं, यस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, यस,
अब मैं यहाँ पे कुछ लगाता हूँ एक्स्ट्रा करके, जो इसकी वायर होगी मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये स्विच है ना, इसको थोड़ा बहुत रोटेट करना पड़ेगा ऐसे और फिर रोटेट ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एक आउटपुट की वायर है। ठीक है, ये कहाँ पर आएगी? इसके साथ आएगी, ठीक हो गया। और ये वापस इसकी वायर पर जाएगी, इधर, ठीक है। और ये आउटपुट भी इधर आएगी इसके साथ, इसके साथ, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस की लिखी हुई है, स्पेस करूँगा यहाँ पे हम चेंज हो जाएगा ऐसा करके, ठीक हो गया। इसका काम है, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको और गेट लगा हुआ, और गेट का से रिमूव करके मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं एंड गेट यूज़ कर लूँगा। मैं एंड गेट भैया यहाँ पर आ जाए, ये एंड गेट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अभी ऑन नहीं हो रहा है, पॉज करके दोबारा रिफ्रेश किया ना मैंने, पॉज करेंगे इसको ऑन करेंगे तो पावर स्विच को, तो वहाँ पे एक सर्किट रिफ्रेश होता है। स्पेस दबाओ, यहाँ पर देख रहे हैं स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पर इधर 1 से कनेक्ट हो गया, इधर 0 से कनेक्ट, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। अब मैं करूँगा, मैं एक कोड लगाऊंगा स्विच यहाँ पर, एक और बैटरी लगाऊंगा, एक और स्विच लगाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी को पूरे ऐसे करूँगा, मैं कॉपी सेट किया, कंट्रोल प्रेस सी, कंट्रोल प्रेस वी, ठीक है ना। ओके ओके, सॉरी, ये ना वापस हमें दुआ करना पड़ेगा इसका, ऐसे को तो करता हूँ, डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है ना। कॉपी नहीं रखता, काम खराब कर दिया मेरा, दोबारा क्रिएट कर लेते, स्विच आ गया, ठीक है। स्विच रोटेट रोटेट, ठीक है, ये आउटपुट है, एक साथ जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने का चाहिए, यहाँ से बैटरी चाहिए, एक बैटरी 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 कहाँ से आई थी, ये हम ये पैनल वाला वगैरह, यहाँ इसमें क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर इसकी बैटरी आ जाएगी। यहाँ पर, यहाँ पे बीसीसी चाहिए हमें, बीसीसी बैटरी आ जाएगी यहाँ पर, बीसीसी बैटरी कहाँ होगी, आई भी होगी, ये है ना। इसको अब इसका जोड़ते हैं हम, ठीक हो गया। कुछ वायर को ना, अगर आपने ऊपर करना हो वायर को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमने क्या चाहिए, ऐसा ग्राउंड वायर चाहिए, ग्राउंड वायर यहाँ पर लगा लें आप, ये ना, यहाँ से जो इसका जॉइंट पॉइंट है आप इसको जोड़ दें, ठीक है। उसको थोड़ा नीचे करना वायर को, और आप इसका कलर चेंज करना है, कैसे कलर चेंज करना है इसका, ये ना, ठीक है ना। आपका कलर चेंज हो गया इसका, ताकि आपको मालूम हो जाए यहाँ पर कौन सा रहा, जैसे मौके कर देते हैं इस करके। अब हम जो है ना, अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ से बना लेते हैं, जैसे दोबारा ख़राब हो जाए फिर यहाँ से एक और बैटरी लगा देते हैं इससे करके, ठीक है। ग्राउंड वायर चाहिए मुझे, ग्राउंड वायर आ जाएगी, और क्या चाहिए, मेरा स्विच चाहिए, हमें स्विच आ गया, ठीक है। वो यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ इसको, ताकि इसका जो इनपुट पॉइंट है यहाँ पर आ जाए, ये इसको जोड़ दूंगा मैं, और ये वाला भी जोड़ दूंगा मैं, इसको यहाँ पर रख देता हूँ इसका करके, इसको मैं इसका जोड़ दूंगा मैं, इसको जो वायर है इसके जुड़ गया, ठीक हो गया। थोड़ा बहुत इसको मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, ताकि आपको नजर आ जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1 जो पॉइंट है ये वाले जुड़ा हुआ, ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ ये वाला, ठीक है। और ग्राउंड में यहाँ पर अब इसका आउटपुट होगा यहाँ पर जाता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, मैं सॉरी, इसको जोड़ना नहीं था, इसका जोड़ना था, इसके साथ जोड़ना था हमने, ठीक है ना। ये आ गया ना, ये हमारे पास है, इसका जुड़ा हुआ ये वाला, इसका जुड़ा हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं इसके कॉम्पोनेंट में जाता हूँ, मैं स्विच के कंपाउंड में, तो यहाँ पर स्पेस बार है ना, यहाँ पर लेकर स्मॉल है, ठीक हो गया। ये मैं हिस्सा करूँगा, यहाँ पर देखा ना हिस्सा हो रहा है ये। अब जब मैं यहाँ पर ए प्रेस करूँगा यहाँ पर हो रहा है। अब सेम आइटम में जो सेकंड स्विच होगा, सेकंड स्विच क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, कहता तो ये स्मॉल हो जाए, ओके। अब इधर इसको प्ले करते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से भी बना रहा है, यहाँ से भी बना रहा है, इधर से बना रहा है, और इधर से भी बना रहा है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, वन आ गया। जब इसका करूँ यहाँ पर देखिए ये जीरो हो गया, ये वन जहाँ पर जीरो हो गया, दोबारा के यहाँ पे वन हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया चीज़ के। दोनों में वन आ गया, ए वाला जीरो हो गया तो जीरो हो गया, एस वाला जीरो, जीरो जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ए में आऊँगा मैं, वन ए वन हो गया, एस वन हो गया, अब वन हो गया, इस तरह काम करना। आपको समझ आ गया यहाँ पर सर्किट वगैरह कैसे बनाना है हमने, ठीक है। अब जो थोड़े बहुत एक और चीज़ें इसके अंदर मजे की चीज़ है, वो जी हम आपस है, आपसे कहते हैं लॉजिक कन्वर्टर, ठीक है ना। वो जी हम आपस लॉजिक कन्वर्टर होता है ये वाला। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये 8 इनपुट है, यहाँ बस आउटपुट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इसको ऐसा सारा जो बनाया हुआ ना मैंने, ऐसा उसे डिलीट करता हूँ मैं, यस, इसे यहाँ पर ये रह जाएगा, ये वहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, यस, ठीक हो गया, ठीक है। ये डिलीट है, मैं यहाँ सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं यहाँ पे देखें, कुछ भी नहीं यहाँ पर ऑन हो रहा है, यहाँ पर खाली ब्लैंक है ये वाला।
मैं करता हूँ यहाँ पर एंड गेट है, एंड गेट आ गया, ये एंड गेट कर दीजिए, सॉरी नैंड गेट है, ये एंड गेट नहीं है, एंड गेट ये वाला। इसका जो एक इनपुट होगा ना, इसका एक इनपुट इसके टर्मिनल के साथ, सेकंड इनपुट इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इस तरह कर देते हैं, ये जो वापस आएगा इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा, ये वहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं, ताकि ना ये इसका यहाँ वापस आ गया, यहाँ पर ऊपर सर्कल बना वैसे ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मसला है, सॉफ्टवेयर का मसला ये वाला ना। अब यहाँ पर देखें सर, अगर मैं यहाँ पर एक दो इनपुट आया ना, यहाँ पर दो इनपुट है ना उसके, यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ मैं, मैग्नीफाई ताकि आपको नज़र आ जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, तो मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ इस तरह करके। अब यहाँ पर देखा जाए वो सर्कल वहाँ जुड़ा हुआ है, मैं दो इनपुट ऑन करिए, हमारे पास टेबल आ गई इस तरह करके 0 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है ना। इसका आउटपुट वैल्यू आ गई यहाँ पर इस तरह करके, ठीक हो गया। कन्वर्ट करते हैं, एंड गेट था ना वहाँ पर, हमने एंड गेट बनाया था, हमने एंड गेट से यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका बन गया। हमें क्या चाहिएगा, इसको लॉजिक एक्सप्रेशन चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं ए बी आगे, ए बी आगे ना वहाँ पर, इस तरह काम करता होता है, ठीक ना। और कुछ भी नहीं है वहाँ पर, जो लेफ्ट फोर तक था सारा काम था, मैं आपको सारा समझा दिया मैंने। अब लेफ्ट फोर चेक कर लेते हैं, जितने भी लेफ्ट जाना है वो सारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखकर सब चीज़ें मैं बता चुका, यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब लेफ्ट टू जो है, लेफ्ट टू में यहाँ पर ये है, आपको सब चीज़ें आती होंगी अभी, ठीक है ना। लॉजिक, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, एंड गेट ये होता है, नैंड गेट ये होता है, ठीक है ना। और गेट है, नोर गेट है, नोट गेट है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको CS302 में पढ़ा चुका हूँ मैं सब। अब आप, मैंने एक चीज़ इंप्लीमेंट कर दी भी, अब आप खुद इसको इंप्लीमेंट करके देखा, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया कैसे माना, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंड गेट, नोट गेट का जोड़ के देखें, इसका इंडिकेटर लगाया, मैच करें आपस में, ठीक है ना, हो जाएगा ऐसा करके। सेम है ये वाला भी काम है, ये भी ऐसे ही है, नोट गेट और गेट भी ऐसे ही है। ट्रुथ टेबल का बता दिया, ट्रुथ टेबल कैसे करना है, यहाँ पर देखें ये चीज़ अभी बनाई ना मैंने, भी ये चीज़ बनाई है मैंने, इस सर्किट वहाँ सब ये उस करके एंड गेट का बनाया मैंने, उसके बाद ये दो इनपुट जब क्लिक किया था मैंने, इस करके आ गया था इसका, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेबल बना देगा। सेम है जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पर, जो है यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेबल बताया हुआ उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने आउटपुट दिखाया ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर का मसला था, भी ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक डायग्राम बने हुए, यहाँ पर कितने एंड और नोट गेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। सी के साथ जुड़ा हुआ है, डी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। डी यहाँ पर से एक यहाँ पर आ रहा है, ऐसा करके लॉजिक अगर आप खुद ही देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा, आसान है वाला भी, ठीक है। कितने इनपुट आ रहे हैं, चार इनपुट आ रहे हैं, ये चार इनपुट आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको लॉजिक गेट का कैसे नहीं समझ आ रहा है, वैल्यूज का रखेंगे 8 0 8 1, 4 0 4 1, 4 0 4 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 1 0 1 0 1, ठीक हो गया। अब इसका आउटपुट कैसे आना है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पेंट में आता हूँ मैं, पेंट कंट्रोल प्लस, यहाँ पर तस्वीर आ गई पूरी की पूरी, ठीक हो गया। पेपर में भी ऐसे ही करना है, उन्होंने वहाँ पर सेलेक्टेबल किया होता है, वहाँ पर क्लिक करके कॉपी करना है, पेंट में आकर उसको जो मर्जी एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखना ना, हमने ये करना है, ये ए है, ए का आउटपुट कहाँ जा रहा है, यहाँ से मूव करके इधर जा रहा है, इसके से पास आ रहा है, यानी कि वहाँ पर ए इधर आ रहा है, ठीक है। और ए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ए नोट आ रहा है, यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है, ए नोट इधर आ रहा है, ठीक हो गया। सेम है बी वाला, बी वाला इधर आ रहा है, सिंपल बी यहाँ पर आ रहा है, और बी नोट कहाँ जा रहा है, वहाँ पर बी नोट इधर आ रहा है, बी नोट इधर। इससे करके आपने खुद इसका देख लेना, एक्सप्रेशन क्या बन गया, उसके लिए ऐसा आपके पास आउटपुट आते रहेंगे इसके, ठीक हो गया। मैं आपको बता दिया, मैं ऐसा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि सब चीज़ें मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं CS302 के, ठीक हो गया। अब वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बस मैं लैब का ना ओवरव्यू बता रहा हूँ, उसको करना है कैसे, उसको हैंडल कैसे करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर लैब थ्री है, लैब थ्री है वहाँ पास क्या है, ये वहाँ पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक और गेट लगा हुआ है, एक वहाँ पास का लगा हुआ है सी के साथ नॉट गेट है, और एक उसके साथ क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करने की एंड गेट लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे सी के साथ नॉट गेट लगा हुआ है, उसके साथ वहाँ पास का एक एंड गेट लग गया हुआ है, एस जो दोनों का क्या करेगा, प्लस करेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देख रहे बी को, यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। इसकी यहाँ पर जो बना हुआ ट्रुथ टेबल आ गया इसका, उसके बाद लैब टास्क का, लैब टास्क में उन्होंने यहाँ पर डायग्राम में गाइड दे दिया, ठीक है ना। बिल्कुल इसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक बनेगा जेड, सेम इसकी डायग्राम ये बनेगी, इसलिए डायग्राम क्या बनेगी, ये सेम डिटो कॉपी, ठीक हो गया। अब इसकी डायग्राम क्या बनी, यहाँ पर क्या है ए डॉट बी, यानी कि वहाँ पर दो एंड गेट लगे हुए हैं, सी के साथ क्या लगा होगा, एक नोट गेट लगा होगा, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बनेगा इस तरह का, सी कॉम्प्लीमेंट और बी एन डी एन इस तरह का बनेगा, ऐसा पोर्शन इस वाले का सी कॉम्प्लीमेंट और ए का, इस तरह बनेगा, इस तरह का पोर्शन बनेगा ये वाला, ठीक हो गया।
उसके बाद जो हमारे पास ए डॉट बी है, ए डॉट बी का पोर्शन कैसे बनेगा, इस तरह करके बनेगा। ए डॉट बी कैसे बनेगा, बस उसमें आपने करना है नॉट गेट को ख़त्म कर देना, तो उसके बाद आपने एंड में और गेट लगा देना, इस तरह करके दोनों का प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। अब इसके बाद वहाँ पर यहाँ पर है ये बना हुआ है लॉजिक कन्वर्टर, बना हुआ है लॉजिक कन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। लॉजिक कन्वर्टर में यहाँ पर तीन इनपुट लगे हुए हैं, तीन इनपुट कौन से है, जेड वाई एक्स का, ठीक है। एक्स वहाँ पर यहाँ पर इंप्लीमेंट है, वाई के से जुड़ा हुआ है और ये जेड के यहाँ से जुड़ा हुआ है। एंड गेट लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है, नो एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है ना। मुझे अटैच कर देना लॉजिक कन्वर्टर में, है तीन इनपुट लगाए हुए, तीन इनपुट आपने ऑन कर देना है ऑटोमेटिकली। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ पर इसके एक्सप्रेशन में आ जाएगा, एक्सप्रेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक व्यू बनी हुई है, यहाँ पर ये भी आपको बनानी आती है, ठीक है। सब चीज़ें आपको बता दो कैसे बनानी है, आप खुद इसको इंप्लीमेंट करके इनका आउटपुट वगैरह चेक करें ताकि आपके थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह भी हो। सेम मेरे लेफ्ट फोर है, लेफ्ट फोर है वहाँ पर क्या है, लेफ्ट फोर, लेफ्ट फोर यहाँ पर लॉज वगैरह होंगे, लॉज वगैरह सारे मैं आपको इंप्लीमेंट करवा चुका हूँ। मैं CA302 के मैं कहा से लेक्चर नंबर 6 है या 7 है, उसमें 12 लोग हैं, सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करवा चुका हूँ मैं, इनके एक्सप्रेशन के जरिए भी, लॉजिक गेट के जरिए भी, ठीक है ना। डिमोगोस लॉ भी बता चुका हूँ, डिमोगोस लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्विज में भी एक सवाल आता है डिमोगोस लॉ वाला, वो भी आपको वहाँ पर बता चुका हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, इस सर्किट बनाए हुए यहाँ पर तीन इनपुट लगे हुए हैं, तीन हो गया, यहाँ पर ए की वैल्यू इसके पास भी आ रही है, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसके पास, यहाँ पर बी और सी की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, इसका आंसर बनेगा यहाँ पर ए प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर बनेगा इधर इधर आ रहा है, इधर आप इसका आ रहे हैं यहाँ पर ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्ली, यहाँ पर आपका बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। इधर क्या हो जाएगा यहाँ पास और गेट है, यहाँ पास वैल्यू आई थी, जहाँ पर इधर की जो वैल्यू आई थी, इधर की जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देना, उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये किस तरह करके बनेगा, देख रहे हैं यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जाके ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फुल आ गया, ठीक है ना। अभी जिसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पर क्या आके क्या हो जाएगी, इस तरह की फॉर्मूला बन जाएगी इसकी, ठीक हो गया। वो बता रहे हैं बस ये क्या स्टेप वन क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, स्टेप थ्री क्या होगा, सोन जो मर्जी यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है ना। मैंने आपको सुबह उसको बता दिया कैसे सॉल्व करना है इसका। सेम ऐट यहाँ पे एक्सप्रेशन बने हुए, आप इसकी खुद वैल्यू ढूंढेगा इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने बताया इसकी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, वाई की वैल्यू क्या बनेगी, आपने इसको बताना है यहाँ पर, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, आपकी एक्टिविटी है, मैं आपको बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना है ये वाला, ठीक है। आपने ये वाला खुद करना काम, ठीक है। मुझे तो मालूम हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सेम ऐट इसी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होता है, कॉपी करता हूँ यहाँ पर, मैं कटर प्लस वी यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जा रहा, वहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है और उसकी वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पास, ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए प्लस बी आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा नॉट गेट की वजह से। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट डॉट बी नॉट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या लगा हुआ, नॉट गेट लगा हुआ, नॉट गेट क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, यानी कि ए डॉट बी कर देगा, नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू आपने फिल करते रहने इस तरह करके, ठीक है ना। अगर एक्स की वैल्यू वापस ए प्लस ऑपरेटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, यहाँ पर एंड ऑपरेटर रहता है, यहाँ पर क्या 0 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बस इस तरह करना हमने, सेम एडिशन एक्सप्रेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है, लॉजिक करना है, ठीक है ना। उसके जरिए जो वैल्यूज बनती है फिर आप इसे क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट कर देना, या फिर अगर आप इसको एक्सप्रेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के जरिए सॉल्व करने के बाद जो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी उसके लिए आप इसकी वैल्यू फिल करते रहेंगे, ठीक है। और वहाँ पर यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इसका जो वहाँ पर बताया हुआ है कि ये किसके लिए काम करता है हमारे पास, ठीक है, ये किसके लिए काम करता है, ये किसके लिए काम करता है, यहाँ पर लॉजिक ट्रुथ टेबल बनाने के लिए काम आता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इसकी 1-0 फॉर्म के लिए काम आता है, एलसीएम वगैरह जो होता है उसके लिए काम आता है, यहाँ पर जो इसके एक्सप्रेशन फॉर्म सिम के लिए फॉर्म आता है ये वाला, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है ना। आपने करना है जिसकी डायग्राम बनानी है, कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी को में प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी को में प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी ए डॉट सी को में प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी आ जाएगा। आसान डायग्राम बनेगी, आपने खुद बनानी है, आपको बताया तो उसमें तीन इनपुट बनेंगे, सिर्फ तीन इनपुट बनेंगे। शुरू में एक एंड गेट लगेगा, ठीक है ना। एंड गेट में क्या होगा, ए के साथ ए ऐसी जाएगा, बी के साथ नॉट ऑपरेटर लगा होगा, सी के साथ नॉट ऑपरेटर लगा होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद
ए के साथ नॉट ऑपरेटर लगा देना, हमने बी के साथ लगा देना, फिर सी के साथ भी एंड ऑपरेटर लग जाएगा। ठीक है, सेम एट ए नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, बी के साथ नहीं लगा हुआ, सी के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ए के साथ लगा हुआ है, बी के साथ लगा हुआ, नॉट ऑपरेटर और सी के साथ लगा हुआ, फिर एंड में जो इनकी वैल्यूज आ जाएंगे ना, इन सब को करते रहना, आपने और ऑपरेटर के जरिए ऐड कर देना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। इसका शायद शायद जो ना इसका जो है ना फॉर्मेशन बन जाएगी ना, काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन बनेगी इसकी टेबल लॉजिक गेट की, ठीक है ना। इसको बनाकर हमने खुद ट्राई करना है ऐसा, ठीक है ना। जैसे ये बन ही नहीं पे, जैसे अगर नॉन ऑपरेटर लगे हुए हैं, ऑपरेटर लगे हुए हैं और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। इससे टाइप का कोई टेप बनेगा लॉजिक गेट वगैरह, लेकिन काफ़ी इसका लंथी बनेगा इसका टेबल वगैरह, ठीक है। जहाँ पर खुद ही इंप्लीमेंट करना है, ताकि आपके सॉफ्टवेयर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर वो सॉफ्टवेयर वगैरह में एरर वगैरह है, बेशक मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर मदद करूँगा उसमें, ठीक हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।